अपने एक्सपीरियंस को एनालिसिस करिए, आप चाहे किसी भी फील्ड में काम करते हो। जैसा कि मैं आपको बता दूं, यदि आप यूट्यूब पर काम करते हैं, वीडियोस अपलोड करते हैं और आपका यदि यूट्यूब चैनल है, तो मैं आपको बता रहा हूं, आप सबसे पहले ये अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि आप इस फील्ड में कितने सालों से वर्क कर रहे हैं। या तो आप 3 महीने 4 महीने 10 महीने 12 महीने या 1.5 साल 2 साल से काम कर रहे होंगे, तो यहां पर आपका, यदि मान लीजिए कि एग्जांपल लेते हैं, आप यहां पर यूट्यूब पर जो वर्क कर रहे हैं वो समझ लीजिए 1 साल से कर रहे हैं, तो यहां पर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस तो होगा ही, ये जाहिर सी बात है। अब यहां पर देखिए क्या होता है ना, कि हम यूट्यूबर्स के दिमाग में यही आता है कि चाहे जैसे वीडियो बनाए, वीडियो बनाने के बाद में हम वीडियोज अपलोड करते जा रहे हैं और बाद में यह हम रिजल्ट देखेंगे, कि हम ये नहीं देखते हैं कि हम कैसे वीडियोज अपलोड कर रहे हैं, कैसे वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, हमारी ऑडियो क्वालिटी कैसी है और हमारा कंटेंट कैसा है, ये सब नहीं देखते। केवल हम यह देखते हैं, हम रिजल्ट की बात करते हैं कि भाई यार हमारे चैनल पर व्यूज सब्सक्राइबर्स वास्ट टाइम गेन हो रहा है कि नहीं गेन हो रहे, केवल हम यह देखते हैं। अरे भाई मैं आपको बता दूं, यहां पर आपके यूट्यूब चैनल पर व्यूज सब्सक्राइबर्स वास्ट टाइम तभी गेन होंगे जब आप अपना यहां पर कंटेंट बढ़िया अपलोड करेंगे, वीडियो एडिटिंग जबरदस्त करेंगे और यहां पर वीडियो की क्वालिटी जो है आपकी बहुत मस्त रहेगी, तभी तो यहां पर आपके चैनल पर सब्सक्राइबर्स वास्ट टाइम व्यूज जो है गेन होंगे, अन्यथा कैसे गेन होंगे। तो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, बिना घुमाए फिराए बता दूं कि आपके पास जो एक्सपीरियंस है 1 साल का या 2 साल का है, 6 महीने का, जितना भी एक्सपीरियंस है, सबसे पहले उसको एनालिसिस करिए कि भाई यार हमने, जैसा कि मैंने एग्जांपल की मदद से बताया था कि भाई 1 साल का यदि आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो उसमें एनालिसिस करिए कि भाई यार क्या करने की वजह से 1 साल में हमने क्या किया जिसकी वजह से हमारे चैनल पर व्यू सब्सक्राइबर्स वास्ट टाइम गेन नहीं हो पाए, और यदि उसी 1 साल में मैं क्या किया होता तो मेरे व्यू सब्सक्राइबर्स वास्ट टाइम जो है गेन हो जाते हैं। ये बात, दो ही बात को केवल ध्यान रखिएगा जो मैंने आपको ये बताया है। ये बात को जब ध्यान में रखेंगे ना, तो आपको यहां पर खुद में खुद कोई कमी नजर आएगी, कोई गलती नजर आएगी जिसको आप सुधारेंगे, तो आपके यहां पर ऑटोमेटिकली यहां पर सब्सक्राइबर्स व्यूज वास्ट टाइम गेन होना शुरू हो जाएंगे। यदि आपको ऐसा लग रहा है ना, तो भाई आज तुरंत ही सोचिएगा, यदि यह वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखने के बाद में तुरंत ही एनालिसिस करिएगा भाई हमने क्या यहां पर गलती की है, ये आपको जरूर पता चल जाएगा कि भाई यार हमारा यहां पर एक्सपीरियंस जो है कैसा रहा है और उन एक्सपीरियंस में हमने क्या गलती की है और क्या गलती की है, नहीं की होती तो हमारा चैनल ग्रो कर दिया होता। मैं आपको बता रहा हूं, एक्सपीरियंस किसी भी फील्ड में वर्क करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। यदि एक बात मैं आपको बता दूं एग्जांपल की मदद से, बार बार आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई यार क्यों एग्जांपल ले रहा हूं, तो यहां पर बता दूं, यदि आप 1 साल के एक्सपीरियंस में बात करेंगे ना, तो यहां पर आप ये नोटिस करिएगा, कुछ मेन पॉइंट्स मैं आपको बता दे रहा हूं कि आप यह नोटिस करिए कि पहले जो मेरी वीडियो क्वालिटी थी, आपके वीडियो क्वालिटी के मुकाबले में कितना ज्यादा अंतर है, डिफरेंस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। यदि डिफरेंस नहीं दिख रहा है तो हमें यहां पर डिफरेंस लाना पड़ेगा, आपकी वीडियो क्वालिटी जो है ज्यादा बेहतर करना पड़ेगा पिछले की वीडियो क्वालिटी से, वीडियो एडिटिंग ज्यादा बेहतर करना पड़ेगा, वीडियो की ऑडियो क्वालिटी ज्यादा बेहतर करना पड़ेगा, हमें कंटेंट ज्यादा बेहतर करना पड़ेगा, सब कुछ ज्यादा बेहतर करना पड़ेगा। देखिए जब हम अपने चैनल पर इंप्रूव करेंगे ना, तभी हम यहाँ पर ग्रो कर पाएंगे। यदि इम्प्रूव नहीं करते हैं, केवल प्रूव करते रह गए कि लोगों को कि भाई यार मेरा केवल यूट्यूब चैनल है, तो यहाँ पर हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे। हमें प्रूव नहीं करना है, इम्प्रूव करना है कि हम अपने चैनल को कैसे ग्रो करें।